नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था माइक्रोमैक्स का बजट रेंज का स्मार्टफोन जिसका नाम है माइक्रोमैक्स इन वन बी। आप कहा जा रही कि उसका नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है लेकिन उससे बेटर स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा जिसका नाम है माइक्रोमैक्स इन 2C। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं क्योंकि ये वाला स्मार्टफोन ऑलरेडी सर्टिफिकेशन साइट में आ चुका है। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो माइक्रोमैक्स इन 2C आने वाला है इसमें हमें एक्सपेक्टेड क्या का स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकता है और किस प्राइस रेंज में इंडिया पे लॉन्च होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसका स्पेसिफिकेशन मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जो अपकमिंग मोटोरोला G20 बहुत ही जल्द इंडिया पे आने वाला है एग्जैक्टली उस मोटोरोला G20 के जैसे स्पेसिफिकेशन हमें इस माइक्रोमैक्स इन 2C में देखने को मिलेगा। अगर स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में बात करें, आपने ये चीज देखा है कि रिसेंटली माइक्रोमैक्स ने जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च किया है पीछे हमें जो एक जैसा पैटर्न दिखता है एग्जैक्टली सेम डिजाइन इस बार हमें इस इन 2C में भी देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन का थिकनेस होगा 9 मिलीमीटर के आसपास और इसका वेट भी होगा 190 ग्राम के आसपास। डिस्प्ले की अगर बात करें आपको इसमें मिलेगा 6.5 इंच HD+ IPS LCD डिस्प्ले। इसका स्क्रीन का बॉडी रेशियो होगा 90% के आसपास और बहुत ज़्यादा चांस है कि इसमें आपको 90Hz रिफ्रेश रेट भी मिल सकता है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा था ये जो स्मार्टफोन आने वाला है ये एग्जैक्टली मोटोरोला G20 के जैसा होगा। अगर प्रोसेसर की बारे में बात करें इसमें हमें ना क्वालकॉम ना मीडियाटेक की तरफ से सीपीयू मिलेगा। जो सीपीयू मिलेगा वो है यूनिजॉक T600 वाला सीपीयू जो कि 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। और हाँ एक चीज़, इस प्रोसेसर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना क्योंकि इस प्रोसेसर के साथ बहुत सारे स्मार्टफोन अगले 2-3 महीने के अंदर इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। जैसे कि रियलमी अपना एक स्मार्टफोन इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च करेगा, शाओमी भी लॉन्च करेगा, मोटोरोला भी लॉन्च करेगा, नोकिया भी लॉन्च करेगा। तो इसीलिए ये जो प्रोसेसर इंडिया में बहुत ही फेमस होने वाला है। वैसे ये जो यूनिजॉक T600 इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि ये जो प्रोसेसर ये 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। इसका अंटूटू स्कोर है 1,69,000 के आसपास। तो मतलब इसका अंटूटू स्कोर स्नैपड्रैगन 678 के जैसा है। ऑब्वियसली एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, इसमें 2 हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A75 कोर मिलेगा, 6 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A55 कोर मिलेगा और इसका ग्राफिक्स कार्ड है माली G52 MP2 ग्राफिक्स कार्ड। कैमरे की अगर बात करें जितना मुझे लग रहा है इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा लेकिन जो मेन सेंसर वो होगा 48 मेगापिक्सल। तो मतलब 48, 8 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा या फिर 48, 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलेगा, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिल सकता है। अगर बैटरी के बारे में बात करें इसमें आपको 5000mAh बैटरी, 18W का फास्ट चार्ज और USB Type-C मिलेगा। और कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन आ रहा है ये दरअसल 2 ही वेरियंट पे लॉन्च होगा, 3 32GB और 4 64GB। इसका रैम का क्वालिटी होगा LPDDR4X, मेमोरी का क्वालिटी होगा eMMC 5.1 और इसके साथ आपको SD कार्ड का भी फीचर देखने को मिलेगा। और अगर इसके कुछ बाकी के फीचर के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलेगा Android 11 और बैक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो आप जो सबसे मेन चीज है ये जो माइक्रोमैक्स इन 2C वाला स्मार्टफोन आने वाला है इसका प्राइस क्या होगा। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है माइक्रोमैक्स इन 2C मतलब 1B का अपग्रेडेड वर्जन, 1B इंडिया में अवेलेबल है 7000 रुपए पे। तो ये जो नया वाला स्मार्टफोन जितना मुझे लग रहा है वही सेम प्राइस रेंज में लॉन्च होगा। मेरे हिसाब से इसका 4GB 64GB वेरियंट का एक्सपेक्टेड प्राइस होगा 7 से 8.5 हजार रुपए के अंदर क्योंकि एक्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में यूनिसॉक T700 के साथ मोटोरोला G20 भी इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होगा। तो इसीलिए 7 से 8.5 हजार रुपए के अंदर ये जो माइक्रोमैक्स इन 2C ये इंडिया में लॉन्च होने के सबसे ज्यादा चांस है। और अगर इसके लॉन्च डेट की बारे में बात करें, अब देखिए ये वाला स्मार्टफोन ऑलरेडी सर्टिफिकेशन साइट में आ चुका है तो अगले 2 या 2.5 हफ्ते के अंदर कंपनी की तरफ से ऑफिशियल लॉन्च डेट का कंफर्मेशन मिल ही जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से जुलाई महीने के अंत से पहले ये जो माइक्रोमैक्स का नया वाला स्मार्टफोन 100% इंडिया पे लॉन्च हो जाएगा। तो अभी देखिए हर वीडियो के जैसे इस वीडियो में मेरा ओपिनियन दूंगा। तो जब ये वाला स्मार्टफोन 7.5 से 8 हजार रुपए के अंदर इंडिया पे लॉन्च होगा क्या इस प्राइस रेंज में ये सबसे बेटर स्मार्टफोन है? ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए 5000mAh बैटरी, HD+ डिस्प्ले, एक अच्छा खासा प्रोसेसर, 14 मेगापिक्सल मेन सेंसर, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कोई भी स्मार्टफोन कंपनी इस प्राइस रेंज में प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि प्रोसेसर का कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसीलिए। और क्योंकि जो यूनिसॉक कंपनी का प्रोसेसर इसका हर एक प्रोसेसर का प्राइस बहुत ही कम है लेकिन परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देगा। तो इसीलिए माइक्रोमैक्स इन 2C हमें कम पैसे में बहुत ही अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। वैसे अभी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि जब ये वाला स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होगा तो क्या आप इसे बाकी स्मार्टफोन के मुकाबले लेना चाहेंगे या फिर नहीं, इसके बारे में मुझे कमेंट में कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।
तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।